हेलो, वेलकम इन माय चैनल टेस्टी इजी किचन। आज हम बना रहे हैं घी, घरी पर घी बना रहे हैं। जी हाँ, मैंने मलाई इकट्ठी की थी और इससे मैंने घी बना रही हूँ। ये है एक बाउल मलाई, इसको मैं अच्छे से बीट कर रही हूँ ताकि क्रीमी सी हो जाए। क्रीमी होने के बाद जब हम इसको घी बनाने रखेंगे तो इसमें से जल्दी घी निकल जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम हमको घी बनाने में नहीं लगेगा। आमतौर पर लोग घबराते हैं घी बनाने के लिए कि बहुत दिन टाइम लगता है, एक दिन लग जाता है पूरा। लेकिन अगर आप मेरे इस मेथड को फॉलो करेंगे तो आपका 1 घंटा भी आपको पूरा घी बनाने में नहीं लगेगा। देखिए, और इसको कभी भी हैवी बॉटम पैन में बनाएं। ये मैंने हैवी बॉटम पैन लिया है, इसमें मलाई डाल के जो मैंने इसको क्रीमी कर लिया था, अब मैंने इसको कुक होने रख दिया है। अभी इस स्टेज पर अभी हम हाई फ्लेम पर इसको बॉयल आने देंगे और जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे। और फिर जब इसमें घी आना शुरू हो जाएगा तो हम इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे। इससे 3 स्टेप होते हैं इसको कुकिंग के, फायर के। तो इससे बीच देखिए उबाल आने लगा है, अब हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम कर देंगे, नहीं तो उबाल आके पूरा घी हमारा, पूरा मलाई हमारा गिरने लगेगी। इसलिए हम इसको अब मीडियम टू लो फ्लेम कर देंगे। बीच बीच में हिलाते रहेंगे, स्टर करते रहेंगे ताकि ऊपर से गिरे नहीं, साइड से भी क्लीन करते रहेंगे। देखिए, नहीं हिलाएंगे, नहीं चलाएंगे तो फिर हमारे मलाई में बॉयल आएगा, बॉयल आके पूरा ऊपर से सब गिर जाएगा हमारा मिक्सचर, और जो हमें नहीं होने देना है। तो इस तरह से बॉयल आते आते कम से कम ये आधे घंटे पकेगा, आधे घंटे बाद इसमें घी आना शुरू हो जाएगा। तो ये ज़बरदस्त से, इस तरह से आप मेरे मेथड से ज़रूर घी बनाएं तो आपको बहुत ईजी लगेगा, टफ भी नहीं लगेगा और जल्दी भी आपको घी बन जाएगा। देखिए, करीब 15 से 20 मिनट हो गए हैं अभी तक इसको पकते हुए और ये इसमें इतना आधा कम हो गया पकते पकते। अभी और 10-15 मिनट पकेगा तो इसमें घी आना शुरू हो जाएगा। घर में मलाई, हमारे सभी लोग घर में दूध पे मलाई आ जाती है, कुछ लोग तो खा लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं, जो यूज़ नहीं करते हैं तो प्लीज़ मलाई को स्टोर करके रख लें। बस उसको अच्छे से स्टोर करके रखें एयरटाइट कंटेनर में ताकि मलाई आपकी खट्टी ना होने पाए। और बहुत ज़्यादा पुरानी मलाई नहीं होनी चाहिए, जो 15 से 20 दिन में मुश्किल से आपको मलाई में से घी निकाल लेना चाहिए, नहीं तो मलाई में खटास आ जाती है तो फिर घी में भी टेस्ट खट्टा बना जाता है, घी का टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। इसलिए कोशिश करें जब भी मलाई स्टोर करें एयरटाइट कंटेनर में, फ्रीज में रखें और उसमें जल्दी उसको बना लें, बहुत ज़्यादा टाइम तक रखी हुई मलाई में ना करें। देखिए, करीब आधा घंटा हो गया मलाई को मेरे पकते हुए और इसमें अब घी आने का प्रोसेस शुरू हो गया है। ये देखिए, अब इसमें घी आना शुरू हो गया है। अब इस स्टेज में हमको इसको बहुत ध्यान देना है, लगातार चलाते रहना है, ज़्यादा छोड़ना नहीं है, क्योंकि घी आना शुरू हो जाता है तो नीचे जो उसका चूरमा होता है वो जमने लगता है, जलने लगता है। इसलिए हम इसको एकदम लो फ्लेम पर पकाएंगे, साथ ही लगातार चलाते रहेंगे। इस टाइम पर हम इसको पूरा टाइम इसको ध्यान देना है और बीच बीच में हम इसको कवर करेंगे। कवर करने से ये होगा कि इसका घी ऊपर से जल्दी आ जाएगा। देखिए, कवर करने लगे हैं तो इसमें साइड में देखिए घी आने लगा है, इसीलिए बीच बीच में हिलाते रहेंगे, कवर करके रखे रहेंगे और अगले 10 मिनट में ये पूरा हमारा घी निकल बन के रेडी हो जाएगा। ये देखिए कितना अच्छा घी इसमें आने लगा है, चूरमा इसका अलग होने लगा है। थोड़ा सा और अभी इसमें आने देते हैं घी, फिर हम इसको छान लेंगे अपने एक बाउल में। एक बाउल मैंने करीब मेरा एक बाउल भर के मलाई था तो इसमें मेरा कम से कम 400 ग्राम तक घी आराम से निकल जाएगा, 300-400 ग्राम करीब। तो इतना तो घी काफ़ी हो जाता है जब हम घर पे निकाल के रखते हैं, काफ़ी दिन हमारा यूज़ होता है। तो देखिए, हमारा ये अब तक पूरा देखिए घी आ गया, अब हम इसको छानेंगे। ये मैंने लिया छन्नी स्ट्रेनर, इससे मैं साइड से जितना भी घी हम निकाल लेंगे और फिर बीच में हम इसको एक बार और थोड़ा सा गर्म करके छानेंगे तो करीब हमारा घी अच्छे से निकल के तैयार हो जाएगा। तो देखिए कितना ज़बरदस्त गोल्डन ब्राउन गोल्डन कलर का मेरा घी तैयार हुआ है। काउ मिल्क है क्योंकि ये, तो इसीलिए काउ का मिल्क का घी येलो होता है, तो इसलिए देखिए कितना ज़बरदस्त घी तैयार हो गया है। तो चलिए, मेरे इस मेथड से इजी, और ये जो घी का चूरमा है इसको आप कैसे भी करें, मिठाई बनाएं या खाने में डाल के बनाएं। तो चलिए, मेरे इस मेथड से घी बनाएं और कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।